नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, ये तो आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 शिक्षक मॉड्यूल विकसित किए गए हैं जिनको हमें पढ़ना है, क्योंकि IVRS पोर्टल से शिक्षकों पर कॉल आ रही है और इन मॉड्यूल के बारे में पूछा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों मॉड्यूल्स पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके IVRS पोर्टल से आने वाली काल में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि अगर आप पे कॉल आएगी और आपने ये 30 प्रश्न तैयार कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस पार्ट में हम 30 प्रश्न लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, तब उसमें 30 प्रश्न लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रेरणा मिशन के तहत कितने मॉड्यूल तैयार किए गए हैं? तो ये प्रश्न आपका है, इसका आपको पता होना चाहिए। प्रेरणा मिशन के तहत 3 मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, उन तीनों मॉड्यूल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। तो क्या नाम है मॉड्यूल्स के? पहला मॉड्यूल्स है हमारा आधारशिला, दूसरा मॉड्यूल है हमारा ध्यानाकर्षण और तीसरा मॉड्यूल है हमारा शिक्षण संग्रह। तो तीनों मॉड्यूल्स के नाम आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2, प्रेरणा मिशन द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 3, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य जो है, मैंने प्रेरणा लक्ष्य की वीडियो भी बनाई है, आपने वो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो प्रेरणा लक्ष्य भाषा एवं गणित के लिए तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रेरणा मिशन में भाषा एवं गणित के संदर्भ में कौन सा मॉड्यूल तैयार किया गया है? तो प्रेरणा मिशन में भाषा और गणित के संदर्भ में हमारा आधारशिला मॉड्यूल तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 4 के लिए गणित विषय का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो बता दी मैंने आपको, प्रेरणा लक्ष्य की वीडियो भी बनाई थी, सभी क्लास 1 से लेके 5 तक भाषा और गणित के लक्ष्य बताए थे। तो कक्षा 4 में गुणा के प्रश्नों को 75% सही सही हल करना, यानी आपको दिए गए प्रश्न, कोई गुणा का प्रश्न दिया गया है तो उसके 75% प्रश्नों को सही सही हल कर देगा, तो ये आपका कक्षा 4 का गणित विषय का प्रेरणा लक्ष्य है। इसी तरह कक्षा 5 में गुणा की जगह भाग के प्रश्न आ जाएंगे, यानी भाग के प्रश्नों को 75% सही सही हल कर सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रेरणा सूची की सर्वोत्तम व्याख्या क्या हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा, प्रेरणा सूची की सर्वोत्तम व्याख्या होगी कक्षावार या विषयवार फोकल लर्निंग आउटकम्स की सूची, ये आपकी प्रेरणा सूची कहलाएगी। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, घर की भाषा में बच्चा कहानी सुना सकता है, ये दक्षता किस कक्षा को दर्शाती है? या दक्षता गलत लिखा गया इसमें, ये दक्षता किस कक्षा को दर्शाती है? तो ये हमारी कक्षा 2 को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 8, NSA का पूरा नाम क्या है? तो NSA का पूरा नाम क्या होगा? नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, ELPS किस विषय से संबंधित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ELPS का सिद्धांत गणित विषय से संबंधित है। ELPS मतलब E से एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, L से लैंग्वेज यूज्ड, P से पिक्चराइजेशन और S से सिंबलाइजेशन, यानी सिंबल्स का यूज करना, ये आपका ELPS का सिद्धांत होता है। प्रश्न नंबर 10, सामान्य शिक्षण कक्षा की विशेषता क्या होती है? तो सामान्य शिक्षण जो होता है वो वॉक टॉक विधि से होता है, यानी कि टीचर्स घूमता रहता है और बच्चों से बात करता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं, तो उसमें 6 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि है,
तो आपको पता होना चाहिए। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि है 50 दिन और वो भी सत्र के प्रारंभ में। इसी तरह से ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि भी क्या है आपकी 50 दिन। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, पौधों को देखकर उनके भागों का वर्णन कर लेना किस कक्षा की दक्षता है। तो ये हमारी कक्षा 4 की दक्षता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाग की संक्रिया अच्छे ढंग से कर लेना किस क्लास का लर्निंग आउटकम है। तो ये हमारा कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम है, भाग की संक्रिया को अच्छी तरह से कर लेना। प्रश्न नंबर 15, पाठ पढ़कर 5 से 7 वाक्यों में उत्तर लिखना किस कक्षा के आउटकम की दक्षता है। तो ये हमारी कक्षा 5 के आउटकम की दक्षता है। ये आउटकम्स की भी वीडियो मैं बनाऊंगा, जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनमें जो मेन पार्ट है मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा, जैसे ही मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी इनके मॉड्यूल्स के संबंध में, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बनाने में मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन बच्चों के लिए विशेषकर तैयार किया गया है। तो साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उन बच्चों के लिए तैयार किया गया है जो घर की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक कलह और क्या नाम, शिक्षक का व्यवहार, इस वजह से कक्षा कक्ष में पूर्णतः नहीं आ पाते और उनके लर्निंग आउटकम से प्राप्त नहीं कर पाते। सामान्य कक्षा स्तर से उनका स्तर पिछड़ा हुआ होता है, यानी कि जो बच्चे कक्षा अनुरूप लर्निंग नहीं कर पाते उनको ध्यान में रखते हुए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपके 4 भाग हैं। मैंने इसके 2 भाग की वीडियो बना ली है और मेरा तीसरा भाग चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी भाग की वीडियो मिले तो मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आप मॉड्यूल्स के बारे में सर्च करेंगे तो आपको समस्त वीडियो मिल जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, रेमेडियल टीचिंग हेतु कौन सा मॉड्यूल तैयार किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, रेमेडियल टीचिंग हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा सूची में शामिल विषय हैं। तो प्रेरणा सूची में आपके भाषा और गणित विषय शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा या बच्ची पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखता है, वह किस कक्षा की दक्षता को दर्शाता है। तो ये हमारी कक्षा 5 की दक्षता को वो बच्चा दर्शाता है। ये कक्षा 5 की दक्षता है कि अगर वो बच्चा पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यातायात नियमों की सामान्य जानकारी किस कक्षा की दक्षता को दर्शाता है। तो ये हमारी कक्षा 3 की दक्षता है कि उसे यातायात के नियमों को पता हो। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने हेतु कितने चरण निर्धारित हैं। तो साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है मार्च 2022 तक और इसके 6 चरण निर्धारित हैं। आप इसको याद कर लेंगे, 6 चरण। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 1 से 5 तक कितने प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक 10 प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मैंने प्रेरणा लक्ष्य की एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसमें जाकर आप 10 के दक्ष लक्ष्य देख सकते हैं, जिनमें 1 से 5 तक भाषा के लक्ष्य हैं और 1 से 5 तक गणित के लक्ष्य हैं। तो ये कुल 10 प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा सूची में कुल कितनी दक्षताओं की बात की गई है। तो प्रेरणा सूची में कुल 14 से 16 दक्षताओं की बात की गई है। प्रेरणा सूची की भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, प्रेरणा सूची की मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, कक्षा 1 और 2 की दक्षताओं के बारे में और कक्षा 3, 4 और 5 की हिंदी की दक्षताओं के बारे में। इसके साथ साथ गणित की दक्षताओं की वीडियो भी मैं बनाऊंगा, आप उसको देख लीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न है एआरपी है, तो एआरपी आपके कौन होते हैं, ये होते हैं आपके एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, जो आपके बीआरसी पे आपको बने हुए हैं, आप उनसे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेरक जनपद बनाने हेतु सर्वोत्तम लक्ष्य है, यानी कि अगर आपको अपने जनपद को प्रेरक जनपद बनाना है तो आपका सर्वोत्तम लक्ष्य क्या होना चाहिए, बच्चों का लर्निंग आउटकम प्राप्त करना, यानी बच्चे अगर लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेंगे तो आपका जनपद प्रेरक जनपद बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, किस मॉड्यूल में स्थान दिया गया है, तो ये भारत के भाग्य का निर्माण जो हमारी कक्षाओं में होता है ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में इस बात को ध्यान दिया गया है, स्थान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न इसी से रिलेटेड है, यानी कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है ये किस आयोग ने कहा था, तो ये हमारा कोठारी आयोग ने कहा था 1964-66 में, ये भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं होता, यह वाक्य ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में किसने कहा है, तो ये वाक्य ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि NSA ने कहा है कि अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अब्राहम लिंकन का पत्र किस मॉड्यूल में छपा है, तो अब्राहम लिंकन का जो पत्र है वो आधारशिला मॉड्यूल में छपा है, ये भी आप याद कर लीजिए। तो साथियों ये 30 प्रश्न हुए जो आपको जो IVRS पोर्टल से कॉल आ रही है उनके उत्तर देने में मददगार होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 30 प्रश्न लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये प्रश्न मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।